अस्सलामवालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? उम्मीद है कि तुम सब खैरियत नाल होंगे। जिदा कि तुम सानू जानते हैं, साढ़े मोहसन भरा ते साढ़े उस्मान भाई ते मैं खुद भी थोड़े नाल अज मौजूद हाँ अपना 145 कम्यूनीकेशन पर। तो अज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ असं अपने देखने वाले ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि साढ़े कुछ दोस्त जिहड़े कि बहुत खास आ, बाकी साढ़े देखने वाले भी असं पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं कि सानू उन्होंने इज्जत बख्शी। तो दूसरा मेन चीज़ यह आ कि साढ़े जेडे दोस्त वगैरह है ने सारे काफ़ी साढ़े 145 कम्यूनीकेशन के सैट पर आए, साढ़े नाल गलबात की, उन्होंने बैठ के कुछ मसले मसायल उन्होंने भी गलबात हुई कि किस तरह अपनी यूथ नू गाइड किया जा सकता, आने वाले मसले मसायल जेडे उन्होंने किदां कवर किया जा सकता, रोज़मर्रा दी मुश्किलात जिहड़ियां अपनी कामयाबी के रस्ते दे विच खलल पैदा कर दियां उन्होंने मतलब किस तरह कवर किया जा सकता, कोई इन्हां दा सदभाव किया जाए। तो दोस्तों असी हर दफ़ा यही गल की आ कि जिहड़ा लगातार काम लगातार मेहनत जदोजहद अगर आपां लगातार ये चीज़ां मेहनत लगन ये लगे रहांगे कामयाबी हासिल करन लई ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपां एक ना एक दिन कामयाबी जरूर हासिल कर लवांगे। तो बाकी मेन चीज़ ये होंदी आ कि परेशानी का सामना हर इंसान नूं करना पैंदा, तो उहदे विच ये नहीं होंदा कि बंदा कल्ला एक बंदा ही यानी कि इस चीज़ नूं फेस करदा। ये मुश्किलात तकरीबन दुनिया के हर इंसान ही एक दूसरे के नाल मिल बैठ के इन चीज़ों का मसलों का हल कढ़ लैंदा वा। तो मेन चीज़ यह होंदी है कि अपनी मंजिल में जो बंदा तय कर लैंदा कि मैं इस मंजिल से पहुँचना वा, उहदे लई फिर इंसान नू कोशिश मेहनत ये डबल कर लेनी चाहिए है, जिहदी वजह तो इंसान फिर कामयाब हुंदा। तो बाकी वो कहिंदे आ ना कि इंसान अगर करन दी कुछ मतलब कि मंजिल हासिल करन दी या कोई भी काम करन दी अगर नीयत कर लवे तो फिर उस नीयत करन तो बाद अल्लाह ताला भी उन्होंने साथ दिंदे आ। तो अज असी इस चीज़ को लैके अपनी वीडियो दे विच ये चीज़ डिस्कस करांगे कि किस तरह मतलब लोग कामयाब होंदे आ, ठीक है। वो कामयाबी की वजह सिर्फ उन्हां दी ये होंदी आ कि कोई भी काम शुरू करदे आ उहदे विच अपनी सब तो पहले मेहनत लगन हौसला ते उस तो बाद जनाब माँ प्यो दीआं दुआवां ये चीज़ां बहुत मैटर करदियां। तो साढ़े इलाके दे विच बहुत ज़्यादा लोग आ जिन्होंने बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट किया ते अज माशाला वो अपना कामयाबी की बुलंदियों नूं छू रहे आ। उहदे पिछे सिर्फ इक्को ही वजह कि उन्होंने मतलब अपना हौसला नहीं छड्डिया, मेहनत करनी नहीं छड्डी, लगातार मेहनत की, ठीक है। तो अज अल्लाह के घर अपना वो सुरखरू जिस तरह तुसीं कह सकते हैं कि एक जवाब देने के काबिल है कि असीं अपनी यूथ नूं कह सकते हैं या मतलब अपने गरीब लोगों का ख्याल ये भी कह सकते हैं कि गरीब लोगों का किस तरह वो ख्याल कर रहे हैं। मतलब गल करदा है कि जिस टाइम बंदा कामयाब हो जाता तो उस तो बाद फिर इंसान जिहड़ा है दूसरे लोगों लई भी सोचता। तो कामयाबी लई सब तो पहले मेहनत करनी पैंदी है, ठीक है। तो ये असीं तकरीबन अपनी हर वीडियो दे विच कहा कि मेहनत तो बगैर कुछ भी नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह असीं अपने 145 कम्यूनीकेशन के सैट पर उन्हां कामयाब लोगों नूं जरूर बुलावांगे ते उन्हां दी जुबानी उन्हां दी कहानी सुनांगे कि उन्होंने किस तरह मतलब स्टार्टअप लिया, स्टार्ट लैन तो बाद उन्होंने की मुश्किलात का सामना करना पिया ते उन्होंने वो मुश्किलात किदा मतलब उन्होंने फेस किया, फेस करन तो बाद अज वो अलहमदुल्ला एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। ये सारिया चीज़ा असी उन्होंने अपने सैट पर बुला के उन्होंने नाल डिस्कस करांगे ते इंशाल्लाह थानू भी दिखावांगे ताकि तुसी भी उस चीज़ तो इंस्पायर हो के अपना कुछ कर सको। ये जिहड़े बहाने होंदे आ ना कि मतलब साढ़े कोल वसायल नहीं है या मतलब असी ये कर नहीं सकते, एक पहले तो डर होंदा दिल दे विच नाकामी का, अगर तुसी इन चीज़ों अपने दिल दे विचों कढ लओगे तुहाडा हौसला भी जिहड़ा मजबूत रहेगा, ठीक है। बाकी माँ प्यो की दुआ हर बंदे दे नाल हुंदी आ, वो चाहे गरीब होवे चाहे अमीर होवे मतलब जिस टाइप का भी बंदा होवे, माँ प्यो कदे भी अपनी औलाद नूं बुरा नहीं समझदी। तो माँ प्यो दीआं दुआवां इंशाला हर बंदे दे नाल हुंदियां वा ते असीं इंशाला कोशिश करांगे अपने सैट ते बुला के उन्हां कामयाब लोगों नूं ते उन्हां दी कहानी उन्हां दी जुबानी सुणांगे। ते वो जिस तरह के कहिंदे आ ना कि तुहानूं शुरू करन लई अजीम होना जरूरी नहीं, तुसीं शुरू करो ताकि तुसीं खुद अजीम बन सको। तो वो बिल्कुल उन्होंने मेहनत की, हौसला नहीं छड्डिया ते वो लोग अज अजीम लोग कहलाउंदे आ। दोस्तों कामयाबी दे सफर दे विच दो तीन चीज़ां जिहड़ियां वो बहुत अहम किरदार अदा करदियां, जिदां कि सब तो पहले आ तजर्बा। तजर्बे तो सीख्या होया इलम तुहाडे तो कदे भी चोरी नहीं हो सकता, रट्टा लाई हुई चीज़ बंदा भुल जाता लेकिन तजर्बे तो सीख्या होया सबक हर मोड़ ते बंदे नूं याद रहिंदा वा। ते दूसरी चीज़ है एतमाद, एतमाद तो अगर इंसान दे विच एतमाद है अपना कॉन्फिडेंस लैवल उहदा हाई आ ते वो इंसान कदे भी शर्म महसूस नहीं करता, अपना एतमाद उहदा इन्ना क हुंदा कि वह कोई भी काम शुरू करन तो पहले या जिस टाइम वो शुरू कर लैंदा वो अपने एतमाद दे सिर ते भी कामयाबी हासिल करदा।
ते तीसरी मेन चीज़ आ इखलाक। इखलाक वो चीज़ आ कि इंसान अगर कामयाबी के रस्ते से चल पवे तो वो इखलाक तो मुतासर होकर लोग उन्होंने पैरवी करते हैं, मतलब उन्होंने फॉलो करते हैं। तो मेरे देखने दे इखलाक वो चीज़ आ कि लोग बहुत ज़्यादा थोड़े इखलाक तो मुतासर होंगे आ, जिन्ना मुतासर थोड़े इखलाक तो होंगे, मेरे देखने दे कोई भी होर चीज़ इस दुनिया से नहीं है जिद तो लोग मुतासर होंगे हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह असी कोशिश करांगे कि बहुत जल्दी साढ़े इलाके की अजीम शख्सियात जो कि जिन्होंने बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट किया तो अज वो कामयाब शख्स कहलाते हैं तो उन्होंने इंशाल्लाह असी अपने सैट से दावत देवांगे तो थोड़े सामने लैके आवांगे तो उन्होंने जबानी उन्होंने जी कहानी है वह इंशाल्लाह उन्होंने पूछांगे ताकि थानू भी सीखने का मौका मिले। तो ये जेहड़े तुम बहाने कर दें कि साढ़े को वसायल नहीं है या मतलब साढ़े को टाइम नहीं है तो असी किस तरह काम शुरू करिए, ये सारिया चीज़ा थोड़े जेडे इबहाम है ये दूर करांगे इंशाल्लाह। तो देखते रहो साडा चैनल 145 कम्युनिकेशन। दोस्तों इदां ही सानू देखते रहो, इदां ही तुहानू असीं कामयाब स्टोरियां दिखाते रहांगे। जे साडी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है इहनूं लाइक करो, साडी वीडियो नूं शेयर करो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। साडे चैनल दा नाम है 145 कम्युनिकेशन। बैल आइकन भी होना नाल, सताजी उहनूं भी आल ते कर देना।